पाकिस्तान बेकारी कौम है। हमारा वजीर आजम कहता है मेरे को मांगने नहीं आया, मैं बेकारी नहीं हूँ यार, क्या हमारा इमेज दे रहे हैं बाहर जाके। आए लेकिन माल के दाम लेके आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा माल दाम से मुराद क्या है? पैसे इन्वेस्ट करें इंडिया के बाद, बहुत ज्यादा इकोनॉमी सेकंड या थर्ड, आई गेस थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। उनके आए अच्छे अच्छे आई टी के मनसूबे लगाए, यहाँ पे सब बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बेकारी हैं और बेकारी पैसे मांग रहे हैं, फिर से कि आए तो माल गोदाम लेकर आए, माल गोदाम लेके आए। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत गुर्बत हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो यहाँ पे विजिट करें, वो हर कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तो यार जलवे ही हो जाते हैं, पैसा पैसा हो जाता है। पाकिस्तान को फिर करो बड़े माल गोदाम की जरूरत है। देखे ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है और ये अब देखे ना वहाँ पे G10 समिट हुआ था तो पाकिस्तान को बुलाया नहीं, ये पाकिस्तान के ख्याल करें, वहाँ के नेबर मुल्क है इंडिया वालों को, ठीक है। बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, जो UN के अंदर उन्होंने स्पीच एलेबोरेट की जिसमें ये बोला गया कि जो पाकिस्तान है वो एक टेररिस्ट मुल्क है और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो हमने उनको इन्विटेशन भेज दिया है SCO की मीटिंग के लिए जो कि इस्लामाबाद में होने जा रही है 15 अक्टूबर को। क्या लगता है कि भाई कुछ लोग बड़े खफा नजर आ रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान और हमने पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्यों दिया नरेंद्र मोदी के प्लेन के लिए कि वो यहाँ से गुजर जाए? आपको लगता है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, कश्मीर का मुद्दा कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा या हमारे पास अभी भी कश्मीर ही रह गया डिस्कशन के लिए? कश्मीर पहले है, कश्मीर हमारी शहर आ गया, ठीक है, इससे इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर राणा जयशंकर आए, हम मेहमान नवाज कौम है। आप कैसे कह सकते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शहर है, जब कश्मीर के लिए आपने कभी कुछ किया तो है नहीं है, बस हम बातें करते रहते हैं, एक दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते। सर आपको क्या लगता है कि ये बातें ठीक है कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं और आप कश्मीर की बात करते जा रहे हैं? असल में ना हमारे जो ऊपर जितनी भी लीडरशिप है ना वो सारी भी बिकाऊ माल है, ठीक है, मीडिया भी बिकाऊ माल है, तो इस वजह से हम जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, दिल से हम कुछ भी नहीं करते। तो इस वजह से जब तक हम जो ना खुद से दिल से जब पूरी कौम एक हो के जब तक जदोजहद नहीं ना करती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते सारी बातों के कि कश्मीर आज़ाद होगा, ये आ रहा है, वो आ रहा है, रिलेशन कैसे रहेंगे, तो तब तक हम फर्जी बातें करते रहेंगे। जैसे हम फर्जी कौम बन गए, बस फर्जी बातें करते हैं। और क्या लगता है आपको कि डॉक्टर जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं SCO की मीटिंग के लिए, मीटिंग बहुत बड़ी है, सुनने में है कि मे बी यहाँ पर कोई बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की डील भी होती हुई दिखाई दे, तो पाकिस्तान हाथ बढ़ाएगा इस डील की तरफ और कुछ फ़ायदा उठाएगा इसे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब बिलावल गया था ना उधर तो उसने हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं था समझा, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिलेशन स्ट्रांग होंगे, तो मे भी है कि उसको कुछ रिलेशन स्ट्रांग कैसे होने चाहिए आप बताएं। आप कहते हैं कि जी हमें टेररिस्ट क्यों कहा जाता है, हमें यूँ क्यों कहा जाता है कि हम एक दहशतगर्द वाला मुल्क है, जबकि हमारी हरकतें अच्छी नज़र नहीं आती हैं? हरकतें तो हमारी अच्छी हैं, लेकिन जब हमारा मीडिया ही हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा ये दहशतगर्द हैं, ये हुए हैं, ठीक है, दहशतगर्दों का टोला, तो इस वजह से फिर दूसरे जो है ना ममालिक है उनको मौका मिलता है कि उनको जो है ना अटैक करने का, कि ये तो खुद को ही एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्यों ना इनको कहें, तो ठीक है। तो यही है कि जब तक हमारा कोई टेबल टॉक नहीं होती, मुस्लिम ममालिक नहीं बीच में पड़ते तब तक ममालिक तो कोई बीच में नहीं पड़ रहा, सऊदीया कह लेंगे इंडिया के साथ खड़ा होता है, दुबई इंडिया के साथ खड़ा होता है, वो मतलब कि उनको तो पता है कि हमें बेनिफिट है इसे, तो पाकिस्तान किस चीज़ की अकड़ लेके घूम रहा है? क्या कहता है कि भाई हम क्यों नहीं दूसरों के साथ ताल्लुक, हमारे तो मुस्लिम मालिकों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? पाकिस्तान के ना असल में पाकिस्तान बेकारी कौम है। हमारा वजीर आजम कहता है मेरे को मांगने नहीं आया, मैं बेकारी नहीं हूँ यार, क्या हमारा इमेज दे रहे हैं बाहर जाके। नो डाउट पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे उस तरह यूज़ नहीं होता, ठीक है। जयशंकर जो आ रहा है पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, इनको जो पढ़ाए जो आप बता रहे हैं वो FM फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि आप खुश हैं इस चीज़ से? आए लेकिन माल के दाम लेके आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माल दाम से मुराद क्या है? पैसे इन्वेस्ट करें इंडिया के बाद, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी सेकंड या थर्ड, आई गेस थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। उनके आए अच्छे अच्छे आई टी के मनसूबे लगाए, यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बेकारी हैं और बेकारी पैसे मांग रहे हैं, फिर से कि आए तो माल गोदाम लेकर आए, माल गोदाम लेके आए। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत गुर्बत हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे लोग कई लोग नहीं भी पसंद करते, देखिए ना ये बड़ा सीक्रेट मीटिंग होगी जब वो आए, ये देखिए ना कितना ज़्यादा इनको प्रोटोकॉल मिलेगा, यहाँ पे लोग तो पागल हो गए, इंडिया का नाम सुन के ना लोग कहते हैं इसको मार दो, क्योंकि हमारा ही कॉन्सेप्ट ये चला हुआ है कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर ये क्यों मीटिंग के लिए आ रहा है? हमारा प्राइम मिनिस्टर देखे ना कितना प्रोटोकॉल मिलेगा, प्राइवेट जेट ये हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी, तो फिर पता नहीं मीडिया में क्यों दिखाते हैं इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़े दुश्मन है, दुश्मनी चल रही है सालों से, जंगों में ये है वो है, लेकिन कश्मीर पे बात होनी चाहिए, कश्मीर हमारी शहर आ गया, ठीक है। क्या बात होनी चाहिए? आपके पास दो वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, आप कह रहे कश्मीर की बातें करनी चाहिए, जॉब्स आपके पास नहीं है, मुल्क की सिचुएशन आपने देखी है 3 दिनों से क्या चल रही थी, नेट सर्विसेज आपके डाउन हो जाते हैं, जल से आपके यहाँ पे हो रहा है,
अभी तक पार्लियामेंट के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो यहाँ पे विजिट करें। वो हर कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तो यार जलवे ही हो जाते हैं, पैसा पैसा हो जाता है। पाकिस्तान को फिर करो बड़े माल गोदाम की जरूरत है। देखिए ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है तो ये अब देखे ना वहाँ पे G10 समिट हुआ था तो पाकिस्तान को बुलाया नहीं, ये पाकिस्तान के ख्याल करें, वहाँ के नेबर मुल्क है इंडिया वालों को, ठीक है। तो बाकी वो जयशंकर जो आएगा ठीक है, मैं तो उसके हक में नहीं, वो ना ही आया यार, मैं तो यही चाहता हूँ। हमें इनसे बड़ी दुश्मनी है इंडिया से, ठीक है, बॉर्डर पर हमारे बंदे मारते हैं, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में जंगा फसाद की है, जयशंकर यहाँ ना ही आए तो मैं कहूँगा अच्छा होगा। क्या कह रहे हैं? ना आए भाई ना आए, हम देखते हैं, मैं एक तरह दिल करता हम ना ही दोस्ती करें, क्योंकि देखना मीडिया में देखते हैं यहाँ पे जो कहना होते हैं कश्मीर श्रीनगर आई गेस वहाँ पे लोगों की लाशें ने बिछा दी हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, बीच में दिल भी दुखता है। लेकिन पैसे हैं, पैसे भेज दें, पाकिस्तान को बहुत पैसे की जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं है खाने पीने को, नंगे लोग कैमरा मैन जी दिखाओ यार, ये देखो ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान को इस टाइम सिर्फ फंडिंग करे, पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है, यही कहूँगा। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ताल्लुकात कैसे नजर आते हैं आपको? और ये जो मीटिंग है SCO की, ये क्या रंग लाने वाली है पाकिस्तान में? कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नेगेटिव इंपैक्ट ही नजर आएगा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये, अगर आपने UN की स्पीच उसकी सुनी हो तो वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, जिस पे वो हमारे मुल्क पे क्लियर फॉरवर्डली बोल रहे थे कि वी आर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये न्यूज़ सुनने को मिली है कि वो आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, इंटेंशंस का पता नहीं बट पॉजिटिव नहीं होगा। और सेकेंडली एडिंग मोर, आपको शायद पता हो कि नरेंद्र मोदी का एक एयरप्लेन था जो कि फॉर लाइक अराउंड 15 मिनट्स हमारी एयर स्पेस में रहा है और वी डिड नथिंग अबाउट इट। सो आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए? इनफैक्ट एक फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से अगर बात देखी जाए तो हमने उनको अपना एयर स्पेस दिया कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। सेकेंडली आपने UN की बात की कि वहाँ पर जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं है। लेकिन हम हमेशा कश्मीर के मुद्दे को क्यों उठाते हैं, जबकि कश्मीर की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है आप अभी गूगल खोल के देखें वहाँ पर जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आएगी। UN के अंदर आप डेवलपमेंट की बात करें, आप कश्मीर के मुद्दे को क्यों उभारते हैं? एंड आपने कहा सेकेंडली टेररिस्ट कहते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी इस राइट नाउ अगर आप सिचुएशन देखें कश्मीर के अंदर देख लें, बलोचिस्तान के अंदर देख लें, आप इनफैक्ट पंजाब के अंदर देखें, 3 दिन से पंजाब की क्या सिचुएशन चल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामाबाद, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा एक इमेज है वो बाकी के नज़रों में एक अच्छा पोर्ट्रे किया जाएगा? नहीं देखें, जो आप 3 दिनों की बात कर रही हैं ना, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। ये हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें इसको लेके, और दूसरा हमारी इमेज टू द फॉरेन वर्ल्ड, वो जो भी हो रहा है दैट इज़ समथिंग इंटरनल, तो लेट्स कीप इट टू द फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे लग रहा है अगर वो आ रहे हैं वी वेलकम देम, मगर वेलकम के बजाय अगर हमारे जो कंसर्न लोग हैं वो एक अच्छा स्टांस रेस करें तभी उनके आने का फ़ायदा है, और वरना नहीं होगा। और हम किसी को भी अपनी एयर स्पेस ऐसे नहीं दे सकते। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई गोइंग टू देम और लेट डू टेल मी अगर आपको 15 मिनट आपकी एयर स्पेस में रहने देते हैं कि नहीं रहने देते। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक सो कि अगर अमूमन लोग ये कहते हैं कि अगर ये शरीफ फैमिली की हुकूमत की बात की जाए तो इनके जो ताल्लुकात हैं वो मोदी सरकार के साथ काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। एंड इनफैक्ट मोदी एक दफ़ा पाकिस्तान को विजिट भी कर चुके हैं ऑन अ वेडिंग। एंड आप कह रहे हैं कि अगर वो एयर स्पेस की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, वो नहीं देंगे हमें? नहीं देखें, आप शादियों को इसके साथ ना जोड़ें, और हम पहले भी इस चीज़ में रहे हैं कि हम लोग कुछ पैसों या कुछ खानों के ऊपर हमारा स्टांस बदल जाता है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें और देखें कि उसने आपको कैसे ट्रीट किया था एक फॉरम पे और आपने कैसे ट्रीट किया, तो मेरे ख्याल से अभी वो आएगा और देखेंगे कि इन लोगों का क्या स्टांस है, ये लोग क्या बोलते हैं। हमने तो कुछ नहीं बोला, हम फाइनली एक ही मुद्दा अराइज कर सकते हैं एंड दैट इज द कश्मीर। वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप कैसे इंपॉर्टेंट इशू है, आप सिर्फ इमेजिन करें कि आपका मैप क्या था और अब आपका मैप क्या है, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? कैसे लगेगा? चले हमें यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है, फॉर चले बात इस पर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जॉब है, पीपल आर नॉट जॉब लेस, तो अब हम बात करते हैं कि किसी और की मदद भी करें। जब हम खुद मदद के काबिल हुए हुए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई चलो ये मुद्दा अच्छा है, इसको उठाना चाहिए, इसके बरक्स बात करनी चाहिए? जबकि अगर कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर विजिट किया है, नरेंद्र मोदी की वहाँ पर आपने विजिटिंग देखी होगी, दे वर हैप्पी विद दम। अच्छा तो मुझे बताएं, अगर आपसे कोई चीज़ छीन रहा हो और वो आपकी हो तो आप उसको आराम
आराम से दे देंगे, उसके लिए लड़ेंगे। अगर मैं देखूंगी कि बेटर अपॉर्चुनिटीज है तो मैं कहूंगी लेट इट गो। क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है? बेटर अपॉर्चुनिटीज ये है, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, टूरिज्म उनका अलग से बजट सेट किया गया है, वहाँ पर बहुत कुछ बना दिया गया आजाद कश्मीर में। क्या चले मुझे ये बताएं। नहीं मेरी बात सुने, आपके लिए पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि अपने इंटरनल मसलों पर सॉर्ट आउट करो, देखो कि हमारी यूथ कहाँ पर जा रही है, मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग रही है। यूथ ने अपने आप को खुद ठीक करना है। अगर यूथ ये बोले कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, और इस तरह नहीं होता, यूथ ने अपने आप ये और टॉपिक है। मैं आपको कहूँगा कि अगर उसने आना है, दे आर मोर देन वेलकम, राइट? एग्जैक्टली, जयशंकर एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नजर आते हैं, अच्छी फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, एंड ही इज द पीएचडी स्कॉलर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनका कंपैरिजन बनता है, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पास इतना इंटेलेक्चुअल है कि वो कुछ ऐसा बोल पाए? इंटेलेक्चुअली हम देखते हैं कि अभी उनका क्या स्टांस होता है, ठीक है, और होपफुली आई प्रे कि इट इज़ पॉजिटिव और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस वो रखें, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। लेट्स सी, और पाकिस्तान सही है। लास्ट क्वेश्चन, सुनने में आया कि मे बी इलेक्ट्रिसिटी की डील हो, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बिल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है? बिकॉज इंडिया पहले बांग्लादेश को प्रोवाइड कर रहा था, वहाँ से इनकी कुछ हमें नज़र आई चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल, अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा ये चीज़ नज़र आ रही है, तो कुछ बेनिफिशरी नज़र आएंगे इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? कभी भी इंडिया हमें इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा, और ये आप देख लें, कभी भी इस तरह नहीं हो सकता। जो लोग, जो मुल्क आपके डैम का पानी रोक रहे हैं, वो आपको बिजली पे सपोर्ट, तो उन्होंने तो इतनी बार हमें मतलब ये कह लें कि वो भेजा है कि भाई आप कुछ ना कुछ करें, अदरवाइज हम लोग पानी का रुख मोड़ देंगे, हमारी तरफ से क्यों कोई कुछ स्टांस नहीं जाता हमेशा से? व्हाई वी आर ऑलवेज लेट? बिकॉज हमारा कोई भी गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर सकती, जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी होती है तब तक कोई और मसला आ जाता है। दैट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। व्हाई वी आर ब्लेमिंग इंडिया? नहीं, वी आर नॉट ब्लेमिंग इंडिया राइट नाउ। देखें, हमारे अपने जो इश्यूज हैं, देखें, आप सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग कर लें, आपकी फॉरेन दुनिया में आपकी इमेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हम सिर्फ उसी पे बात करें, वरना चीज़ें बहुत लंबी होती रहेंगी। ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।